बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस मैथ का नया टॉपिक होगा। टॉपिक नेम क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.19 है। 2x² + 15x + 18 = 0। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो हमने ये पढ़ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3.19 का, जो कि है 2x² + 15x और फिर है +18 = 0। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, याद रखें, पहले आपको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के बेसिक चीजें बता दूं। याद है कि स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है वो होता है, जो मेन इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक के लिए इक्वेशन होती है कि ax² + bx + c = 0। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो एक हमारे पास है x² की वैल्यू, एक हमारे पास है सिंपल x और एक हमारे पास c है। स्टूडेंट्स, याद रखें c फॉर कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये होता है, कांस्टेंट वैल्यू जिसका कोई x वगैरह गिवन ना हो, यानी जिस तरह यहाँ पे x² है, यहाँ x है, लेकिन इसके साथ कोई वैल्यू गिवन ना हो, यानी c ना हो, यानी कोई वैल्यू गिवन ना हो x वगैरह, तो आपके लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। अब ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, a b और c। a की जो a है वो x² की वैल्यू है, जो b है वो x की, लेकिन c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ कोई x वगैरह गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मेन है वो क्या वैल्यूज है, जो x² की वैल्यू है वो a हो जाएगी, जो सिंपल x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b, और c जो है वो सिंपल c रहेगा, बिकॉज उसके साथ कोई x वगैरह गिवन नहीं है, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आते हैं, अगर आप यहां देखें, ये लिखा हुआ x² और ये भी लिखा हुआ x², ठीक है, उसके बाद ये x और ये x है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां देखिए 18 है, 18 के साथ कोई x वगैरह नहीं है, इसमें ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन के मुताबिक x² के साथ वैल्यू क्या गिवन है, a गिवन है, यानी जो x² की वैल्यू होती है वो क्या होती है, a। तो स्टूडेंट्स, यहां जो x² की वैल्यू है वो क्या है, 2, तो यानी हम ये लिख लेंगे a = 2 लिख लेंगे। सेम स्टूडेंट्स, यहां x के साथ वैल्यू क्या है, b, यानी b की जो वैल्यू है वो x की होती है, तो यहां x है, x के साथ जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फिर b, यानी b = 15। और स्टूडेंट्स, जो c है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू 18 हो जाएगी। यानी स्टूडेंट्स, ये a, ये b और ये c है। होप सो आपको ये इक्वेशन की और जो ये ट्रिक है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, हमने a, b और c की वैल्यूज लिखनी है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है -b + -b² - 4ac √, यहां तक होता है, डिवाइडेड बाय 2a। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, माइनस फार्मूले क्या है, b कह रहे हैं, b हमारे पास क्या है, 15। अब स्टूडेंट्स, यहां पे अगर -15 होता तो यहां -15 लिखते और यहां माइनस अपने फार्मूले का, जो कि आपस में बाद में क्या हो जाता, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता, फिर प्लस माइनस स्टूडेंट्स √, फिर b² स्टूडेंट्स, b हमारे पास कितना है, 15, यानी 15 का स्क्वायर, फिर -4 हमारे पास फॉर्मूले का, a हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 2 है, और c हमारे पास क्या है, 18 है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ 2a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, a हमारे पास क्या है, 2। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, इसी से -15 फिर प्लस माइनस √, और याद रखे स्टूडेंट्स, जो 15 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर लेने के बाद ये 225 आता है, -4 × 2 × 18, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 144, फिर स्टूडेंट्स 2 × 2 = 4 आ जाएगा, फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, -15 + -√, अब क्या करेंगे, 225 में से माइनस कर देंगे 144, तो ये आ जाएगा 81, फिर स्टूडेंट्स 4 अपनी जगह, फिर स्टूडेंट्स -15 + -, अब क्या करेंगे, जो 81 है इसका √ ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 और 4 अपनी जगह। अब जरा गौर से देखिए स्टूडेंट्स, √ लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं -15 + -9,
प्लस माइनस का मतलब है कि माइनस 15 के साथ एक दफा प्लस 9 कर दो और एक दफा माइनस 9। कैसे स्टूडेंट्स, यहां पे आते हैं इसके लिए हम लिख लेते हैं माइनस 15, आगे कह रहे प्लस माइनस, एक दफा प्लस 9 बाय 4 कर लेते हैं और फिर स्टूडेंट्स एक दफा यहां बीच में कॉमा लिख लेते हैं, माइनस 15 माइनस 9 बाय 4 कर लेते हैं, जो कि यहां एक दफा प्लस एक दफा माइनस कह रहे थे। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये देखें प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, यानी अगर आप कैलकुलेटर के जरिए करें, जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि यूज योर कैलकुलेटर्स, अगर आपको कोई प्लस माइनस का मसला आ रहा हो तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं माइनस 15 प्लस 9 तो आपके पास आ जाएगा माइनस 6 और बाय 4। फिर यहां स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस वैसे हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में कि माइनस 15 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा माइनस 24 बाय 4। अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, यहां डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 3 बाय 2 और यहां पे 4 1 जार 4 4 6 जार यानी माइनस 6। तो अब स्टूडेंट्स आपका जो ओवरऑल आंसर आ गया वो है माइनस 3 बाय 2 और माइनस 6, ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स भी होते हैं जो कि अगर आप इनको डिवाइड कर दें डायरेक्टली तो वो पॉइंट में आ जाता है, तो पॉइंट में भी अगर आप आंसर लिए तो कोई इशू नहीं है। ओवरऑल स्टूडेंट्स यहां तक आपका आंसर है और यहां तक स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।